चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में खूब ठहाके लगे। एक सवाल और शुरू हो गए सीएम योगी और शिवपाल यादव में मजेदार तकरार। ये सिलसिला शुरू हुआ नए नए नेता प्रतिपक्ष बने माता प्रसाद पांडे के मुख्यमंत्री से अपराध के आंकड़े के लेकर सवाल पूछने पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई। फिर जब माता प्रसाद पांडे को जवाब देने सीएम योगी उठे तो बधाई देने के साथ साथ उन्होंने अखिलेश और शिवपाल दोनों पर चुटकी ले ली। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। मुख्यमंत्री चाचा भतीजे पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं, चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे मात खा जाता है क्योंकि उनका भतीजा उनसे हमेशा भयभीत रहता है। सीएम के ये कहते ही पूरा सदन ठहाकों की आवाज से गूंजने लगा। वहीं खुद शिवपाल मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। फिर जब चाचा शिवपाल की बारी आई तो वो अपनी सीट पर खड़े हुए और सीएम योगी को नहले पर दहला दे दिया। हमें गच्चा नहीं मिला है, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। सुना आपने, शिवपाल यादव बोल रहे हैं कि हमें गच्चा नहीं मिला है, गच्चा तो आपको मिलेगा, 2027 में आपके डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। इसके आगे सपा नेता ने सीएम को पलटवार करते हुए जो भी कहा वो भी सुनिए। वहाँ पर बैठा ला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। आदत हो जानी चाहिए ना अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। शिवपाल यादव बता रहे हैं कि गच्चा तो हमें आपसे मिला है, हम पहले पीछे बैठते थे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के बगल में आ गए तो गच्चा हमें नहीं मिला और आपके गच्चा देने के कारण प्रदेश 2024 के चुनाव में पीछे रह गया और सपा आगे निकल गई। वहीं इस दौरान जब शिवपाल प्रदेश के मुखिया पर पलटवार कर रहे थे तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान नहीं बल्कि खिलखिलाहट थी, वो जोर जोर से हंस रहे थे। बहरहाल यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन वार पलटवार का ये सिलसिला काफी मजेदार रहा। इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं।